गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगेन हम लोग अपनी बातचीत कंटिन्यू करेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव टीचिंग पर, और अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी पर। पहले हमने बात की सी फॉर कंटेंट, फिर हमने बात की सी फॉर कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, और अब हम बात कर रहे हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पर मैं बात स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आप एक जहन में मेरे एक बात आ रही है, वो बात ये है, आप मुझे बताइए कि आप में से किसी से पूछते हैं, एक काम करते हैं, मैडम आपसे पूछते हैं, आपसे ये बताइए, स्कूल का डायरेक्टर, स्कूल के प्रिंसिपल, एज आप टीचर बीइंग ए टीचर आपको जवाब देना है, और स्टूडेंट्स, इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? चलिए आप बताइए, सोनिया मैडम आप बताइए। अच्छा ठीक है, आप तय नहीं कर पाए, तीनों में से एक ही बताना था खाली, कुछ भी गलत नहीं होता, बैठ जाइए आप। हाँ, आप कितने लोग इस जवाब से एग्री करते हैं? हाँ, बाद में तो होना ही पड़ेगा, वेरी गुड, अच्छी बात है, सभी लोग एग्री करते हैं। फाइनली यही मायने रखता है कि हम लोग जो हैं यहाँ होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और हम क्या स्टूडेंट्स को जो वो जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो हम ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वही हमारे करियर ग्रोथ के लिए, वही हमारे जो है हमारी अर्निंग के लिए, वही हमारे प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, सभी चीज़ों के लिए वो ही काफ़ी है। मतलब आपके पास जैसे हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, इन सब के पीछे एक बात आ रही है कि भाई कंटेंट होगा तो ये सब चीज़ें होगी। इसी तरीके से यदि आप बात कर रहे हैं कि आपके लिए इम्पोर्टेंस कौन रखता है, आप करियर ग्रोथ है आपका, है ना, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपकी प्रेस्टीज है, इन सब के का आधार जो है वो है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट भी आपको तब आपके फेवरेट बनेगा जब आपके पास उसको देने के लिए कुछ होगा, है ना, जब आपके पास नॉलेज होगा, जब आप उसको उस नॉलेज को इफेक्टिव वे में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, तभी जो है आप उसके फेवरेट बन पाएंगे, और एक जगह फेवरेट बने मतलब आपके फिर आगे वो चीज़ें कंटिन्यू होती जाती है, और वही चीज़ें आपके आपको करियर में ग्रोथ भी ले लाती है। इसी जिस स्कूल के ग्रुप अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, इसी स्कूल के क्या दूसरी जो ब्रांच है या दूसरा जो स्कूल है, उसी स्कूल से मैंने करियर मेरा स्टार्ट किया। मैं कोई कॉरपोरेट जॉब छोड़ के आया था थोड़ा बहुत टाइम के लिए, मैं 10,000 रुपये मेरी सैलरी थी खाली, मतलब कॉरपोरेट में ज़्यादा थी उस समय, मैं 25,000 सैलरी कमाता था, और इधर 10,000 रुपये ही सैलरी मिली थी, लेकिन मुझे टीचिंग अच्छी लगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा 10,000 से 50,000 पार करने में, यहाँ तो नहीं हुई खैर पर लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अब ऐसी बात है समय के साथ चेंज भी करना पड़ता है, चेंज किया भी सही मैंने, खैर अब वापस में इधर ही आ गया, एक अलग बात है क्योंकि धरती गोल है और दुनिया में हर चीज़ गोल है, तो गोल घूमते घूमते मैं वापस इधर आ गया हूँ, ये एक अलग बात है, लेकिन ये बात भी तय है कि मुझे अपने प्रोफेशनल ग्रोथ मिली है, तो इसके पीछे जो मैं मानता हूँ वो है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स भी क्यों हैं, क्योंकि वो उन्हें मैं कुछ जो है ट्रांसफॉर्म कर पाया, अच्छे से उन्हें पढ़ा पाया, जो चीज़ें मैंने उन्हें पढ़ाई होगी उन्हें मुझे लगता है कि आज तक भी उन्हें याद होगी या उन्हें बहुत अच्छे से याद होगी, तो उसके पीछे साथ सारी चीज़ें चलती रहती है, आपकी ग्रोथ, आपका करियर, सब चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। खैर ये एक अलग बात थी, मैं वापस आता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि हम जो है एक इफ़ेक्टिव टीचर बने, हमारी टीचिंग जो है बहुत इफ़ेक्टिव हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कंटेंट है हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो कम्युनिकेशन हैं स्किल्स है वो इफ़ेक्टिव हो, आई कॉन्टेक्ट हो, हमारे बातचीत में उतार चढ़ाव हो, हमें लैंग्वेज पर जो है हमारी कमांड हो, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन वो उस लैंग्वेज का हमें जो है अच्छा नॉलेज होना चाहिए।
फिर हम बात करते क्रिएटिविटी, एक बात को एक ही तरीके से सोचना क्रिएटिविटी को जन्म नहीं देगा, अलग अलग तरीके से सोचेंगे तो क्रिएटिविटी को जन्म मिलेगा या क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप अच्छे से चीज़ों को समझा पाएंगे। एक और जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, मैंने ऑब्जर्व की है, ये माइन्यूट चीज़ है लेकिन बहुत मायने रखती है, वो है कंसिस्टेंसी। आप कितना कंसिस्टेंट हैं, इट मीन्स ये कि आप ने कल कुछ पढ़ाया या अभी शुरुआत में आए तब टॉपिक कुछ स्टार्ट किया, फिर बाद में कुछ और, फिर बाद में कुछ, फिर बाद में कुछ और, तो आपकी क्लास पूरी जो है जीरो हो जाएगी। कंसिस्टेंसी एक शॉर्ट टर्म में भी मैं बात कर रहा हूँ और कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में भी बात कर रहा हूँ। आप 2 साल पहले कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे, अब टीचिंग में है, फिर जो है आप कोई दूसरा काम करने लग गए, फिर वापस आपने टीचिंग ज्वाइन कर ली, फिर कोई दूसरा काम करने लग गए, आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा। लिख के रख लो, जो व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में है वही लोग आगे ग्रोथ कर पा रहे हैं। Am I right or wrong? आप अपने आसपास 10 लोगों के करियर को देख लीजिए, जो व्यक्ति एक ही फील्ड में है वो जरूर कुछ बहुत अच्छा उसमें कर पा रहा है या उसके करियर में वो आगे है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो भी कंसिस्टेंसी मायने रखती है, और शॉर्ट टर्म में देखा जाए, बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट स्पान में, तब भी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। मैं आया आपसे अभी बात करने इफेक्टिव टीचिंग के ऊपर, पहले कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और बात करूँगा, तो वो बात का कोई सार नहीं निकलेगा और अल्टीमेटली जो है वो हमारा जो है कहें कि लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आप देखें जितने आज जैसे जितने यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट जिनका कंसिस्टेंट आता है, हर सैटरडे को आ रहा है या हर रोज़ आ रहा है या हर 3 दिन में आ रहा है, वही चैनल ही बहुत आगे ग्रो कर रहे हैं। वहाँ तो एल्गोरिदम लगा हुआ है, वो तो कोई मैनुअल हो नहीं रहा है, ऑटोमेटिक जो आप जो ज़्यादा चलेगा उसको और ज़्यादा चलता है, वो वायरल होते हैं। तो जो कंसिस्टेंसी जिस यूट्यूबर की ज़्यादा है वही उसके ही वीडियो ज़्यादा चलते हैं। तो वो खाली यूट्यूब में नहीं हो रहा है, वो आम दुनिया में भी हो रहा है, हर जॉब में हो रहा है, हर प्रोफेशन में हो रहा है। आपने कल पढ़ाया था, उस बात को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे तो बच्चा कनेक्ट करेगा, सीधे आ के हवाई जहाज बन जाएंगे तो बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और हर टॉपिक का अपना एक सीक्वेंस होता है, अपनी एक कंसिस्टेंसी होती है कि आपने ये बात कंप्लीट की, फिर उससे जुड़ी हुई बात कर रहे हैं, फिर उससे जुड़ी हुई बात कर रहे हैं। आप आए और सीधे आते से ही मान लीजिए किसी चीज़ के टाइप्स बताने लग गए और उस चीज़ का डीप में बात करने लग गए, बहुत डिफिकल्ट सवाल उठा कर रख लिया, वो बच्चों को लगेगा कि ये बहुत भारी भरकम चीज़ें हैं, नहीं समझ में आ रहा है, या ये सर समझा नहीं पा रहे हैं या मैडम समझा नहीं पा रही, वो ये सोचेगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जो है सिक्वेंस से नहीं चल रहे। ईजी टू हार्ड, क्या फार्मूला हमेशा याद रखना है? ईजी टू हार्ड। ईजी 1, 2, 3, 4, 5, 10 क्वेश्चन किए, जब जाके थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ाना चाहिए। डिफिकल्टी से स्टार्ट करेंगे तो कभी भी आप अच्छे से नहीं पढ़ा पाएंगे। ऑलवेज स्टार्ट विथ ईजी, ऑलवेज स्टार्ट विथ जनरल लाइफ एग्जाम्पल, आम दुनिया के एग्जाम्पल से आप स्टार्ट करें बात को, आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं। खैर मैं बात को ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ। कंसिस्टेंट रहेंगे, ऑब्वियसली बात है, आप जो है आगे अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, आपकी क्लैरिटी ऑफ प्लानिंग, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। मुझे आज क्या पढ़ाना है, ये कौन कौन सा सिलेबस मुझे कितने टाइम में कवर करना है, आप सिलेबस प्लान बना रहे होंगे, उसमें तय कीजिए, ये बनाइए कि मुझे इस महीने में या इतने दिनों में, इतने इस महीने में मुझे ये चीज़ें कवर करना है। आपने देखा कि भाई मेरा टोटल 12 चैप्टर है और मेरे पास टोटल जो है लगभग 6 महीने हैं पढ़ाने के लिए, छुट्टी वट्टियों को काट दें हम तो लगभग 6 महीने मान लो पढ़ाने के लिए, तो एक महीने में 2 चैप्टर भी पढ़ाए तो कम हो जाएगा, एग्ज़ाम सब के डेज निकालना है अलग से। अब आपके पास बच रहे हैं, आपके पास लगभग 10 दिन बच रहे हैं एक चैप्टर के लिए, अब उसमें आप ये डिवाइड करें कि मैं इसमें जो एक तो क्लासरूम टीचिंग होगी,
एक इस चीज़ के बारे में हम बताने के लिए कोई एग्जाम्पल देने के लिए बाहर भी ले आ सकते बच्चों को। मैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ाऊंगे ना, तो पढ़ाएंगे कैसे ये पहले से आप प्लान करें। लर्निंग करने का, इफेक्टिव मैनेज करने का सबसे बेस्ट जो या सबसे फंडामेंटल चीज़ है वो है चीज़ों के टुकड़े करना। उस अपने काम, अपने टास्क को डिवाइड कर दो और डिवाइड करने के बाद हर एक चीज़ का एक अलग अलग टुकड़े का जो है प्लानिंग करो, तो ज़्यादा बेहतर प्लानिंग आप कर पाते हैं और आपको क्लियरिटी रहेगी कि आपको पढ़ाना क्या है। तो आई होप कि आप क्लियरिटी को ध्यान देंगे। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी। आप खुद क्यूरियस है कि नहीं है, बच्चे में क्यूरियोसिटी आप जगा पा रहे कि नहीं जगा पा रहे। आप क्लासरूम में आए और आपने बोला कि आज ज़बरदस्त बात होने वाली हुई है, बहुत बेहतरीन बात करने वाला हूँ मैं आज, जो है आप जो है बाहर से एक जो है एक मान लीजिए आप एक एक बॉक्स लेकर के आ गए, वो बॉक्स में जो है आपने साथ में जो है एक पानी की गुप्पी भी लेकर के आए, बच्चे यूं ही क्यूरियस हो जाएंगे क्या बताने वाले हैं यार। और आपने क्या करा वहाँ पर, फिर बाद आपने पहले तो उसको जो है नाप करके बताया जो है, तो जो लीटर वगैरह से आपने उसको नाप करके बताया, उसके बाद में आपने जो है पढ़ाना स्टार्ट किया कि वॉल्यूम क्या है। आप टेप लेकर के आ गए, टेप लेकर के जैसे ही टेप लेकर के ही आएंगे आप और साथ में कुछ चीज़ें लेकर आके आ गए अपने नापने के लिए, तो बच्चे वैसे ही क्यूरियस हो जाएंगे कि क्या बात है। और क्यूरियोसिटी से, क्यूरियोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा व्यक्ति जो है ज़्यादा ध्यान देकर देखेगा। आप देखिए जैसे कोई फिल्म है उसकी कोई स्टोरी आपको सुना दे तो आप क्या बोलेंगे, अरे भाई मत सुना यार मज़े नहीं आएंगे। फिर पिक्चर जब तक पता नहीं तब तक देखने का ज़्यादा मज़ा है, पता चल जाए तो फिर देखने का मज़ा कम हो जाता है। तो क्यूरियोसिटी होना बहुत ज़रूरी है, हमारे अंदर भी होना चाहिए। अब से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सोशल साइंस के टीचर और हमें यही क्यूरियोसिटी नहीं कि सरकार कैसे बनती है, यही हमको पता नहीं कि जो चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। हमें क्यूरियोसिटी नहीं है कि हमारा मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, अभी पूछ लूँगा तो बहुत सारे लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। भारत की जनसंख्या कितनी है, ये आरक्षण का मुद्दा चल रहा तो कितने SC है, कितने ST है, कितने OBC है, OBC का फुल फॉर्म क्या है, हाँ ये तो सबको पता होगी इतना तो। आप मतलब जो है कई बार हमको लगता है कि ऐसा कोई भी चीज़ के बारे में बातचीत चल रही तो बोले यार मोदी जी इटली गए, तो इटली गए तो गांधी जी के जो है वहाँ एक अभी जो है वो खालिस्तानियों ने वो मूर्ति तोड़ दी है। G7 में गए तो G7 मतलब क्या, G7 का नाम क्यों रखा होगा, क्या ग्रुप ऑफ सेवन, वो सेवन कंट्री कौन सी है, ये तो हमको पता है कि सेवन कंट्री अगली कौन सी है। क्या लग रहा है, दो मिनट मोबाइल निकाला गूगल, वो ग्रुप ऑफ G7 कंट्री कौन कौन सी है आपको बता देगा। ब्रिक्स में आप जा रहे, मतलब ब्रिक्स की बात आई तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है ना, हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं, उस समय देख लो फट से क्या है। अच्छा न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, पढ़ो यार थोड़ा तो पढ़ो, जी टीचिंग प्रोफेशन में हो तो न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए। न्यूज़ चैनल कितने लोग देखते हैं, सब कहानी घर घर की देख लो बस, तुम न्यूज़ चैनल भी देखना ज़रूरी है ना। वेल क्यूरियोसिटी जगाएं, क्यूरियोसिटी जगा के रखें। और आजकल हर चीज़ के जवाब मिलना बहुत आसान हो गया है, इसलिए जो है उनको मुद्दा चल रहा है तुरंत आप सर्च करो, ये वेट मत करो कि फॉ होता होगा कुछ, छोड़ो नहीं पता करो उसी वक्त, आपको उन चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे जो आपके साथ जो यूजुअली आपके लिए ज़रूरी होते हैं। खैर हम कुछ लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, कोऑपरेशन। कितने पॉइंट अभी तक हो चुके हैं, नंबर वन क्या, कंटेंट, नंबर टू कम्युनिकेशन, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है, नंबर सिक्स क्यूरियोसिटी, नंबर सेवन कोऑपरेशन,
ऑलवेज आप एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में, आप ग्रुप ऑफ जो है स्टूडेंट्स में, ग्रुप ऑफ टीचर्स में आप डील करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप में जो है कोऑपरेटिव एक सोच हो। आप जो है, मैं एक बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको कोई टीचर है जो लगता है कि वो परेशान कर रहा हो या आपको पसंद नहीं है, आप वही बात बच्चों के सामने जा के बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 30-40 बच्चों में से 40 के 40 तो आपके फैन नहीं हो सकते ना। कुछ तो ऐसे होंगे जो अपनी आदत से मजबूर होंगे, जिनको खाना नहीं पसता, इधर की बात उधर करे बिना, तो आप क्या सोचते हैं वो बात उस टीचर तक नहीं पहुँचेगी, और जो आपने नेगेटिव बात की है वो बात उस व्यक्ति तक पहुँचेगी ज़रूर। फिर वो व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव बात करेगा, और आप जहाँ आपका अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए था और वो कोऑपरेशन जो है बन ही नहीं पाएगा। आप यदि किसी की तारीफ कर देते हैं पीठ पीछे, आज दो मालूम है कि तारीफ के लायक नहीं है, फिर भी कोई तारीफ के लायक कोई तो चीज़ होगी सही। अभी जो है ये जो एक अच्छी खासी उम्र के हस्बैंड हो चुके हैं, उनसे बात सीखना चाहिए, उनको आप मालूम है कि उनकी बीवी में कोई तारीफ करने लायक बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं ना। उन्हें ये बोलना पड़ता है ना कि भाई सब्जी अच्छी बनी, अब बहुत बढ़िया बनी, वाह वाह वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, ऐसा बोलना पड़ता है। उससे क्या होता है, कोऑपरेशन अच्छा होता है, उससे क्या है कि हाँ यार तारीफ हो गई, मतलब कि बस जो है हर कोई सुनना चाहता है तारीफ। कभी कभार सच भी हो सकती तारीफ, ऐसा भी नहीं हमेशा झूठी तारीफ ही हो, पर लेकिन आप तारीफ नहीं कर पा रहे तो बुराई तो कम से कम मत करें, लेकिन हाय रे हाय ये जी मानता ही नहीं दूसरे की बुराई करे बिना। जो है अक्सर टीचर में तो ये ज़्यादा देखा गया है मैंने, टीचर दुनिया को रास्ता दिखाने वाला है लेकिन वो खुद रास्ता भटका हुआ है। ये बात तो सही है कि जो है उसको उसका उसका मतलब जो है बिल्कुल सुकून ही नहीं आता है कि मैं कैसे जो है अपनी बात को जो है मैं अपने पास रखूँ। नहीं, हमने जो है कोऑपरेट करना आना चाहिए, और कोऑपरेशन का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि जिसमें लोगों को लगे कि हाँ ये हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति है। दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपनी कमियां देखे तो बहुत बेहतर है। यहाँ ये नहीं है, यहाँ वैसा है, वहाँ वैसा है, इस तरीके की दकियानुसी सोच रखना भी गलत बात है। यहाँ यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है, फिर तूने क्या सुधार करा, तुमने क्या उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की। हम जहाँ पर भी हैं वह हमें बेहतरी लाने की कोशिश करना चाहिए। तो आई होप कि आपको जो मैं 7 चीज़ें समझाने वाला था, आई होप आप मैं हो सकता है कि अब लोग इतना गर्मी के टाइम में ज़्यादा अच्छे समझा नहीं भी पाए, लेकिन इन 7 चीज़ों को आप ध्यान रखें तो आप जो है इफेक्टिव तरीके से पढ़ा पाएंगे।